ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল, সবকিছুই আপনার সাথের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস, রাহুল প্যালেস, প্যালেস, দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স, রাহুল প্যালেস, এসি রেস্টুরেন্ট, সুপার কমফর্টেবল উইথ দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স, দ্য রাহুল প্যালেস, ওয়ান অ্যান্ড অনলি রাহুল প্যালেস, আ হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম। রাহুল প্যালেস, প্যালেস, চান্ডিল, ঝাড়খণ্ড। হোটেল রাহুল প্যালেস, ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, NH 32, চান্ডিল বাজার। আজ রাষ্ট্রীয় মতদাতা দিবস হয়। ইস মৌকে পর দেশ ভর মে মতদাতা জাগরুকতা কার্যশালা কা আয়োজন কিয়া গয়া। সাথ হি লোকতন্ত্র কি গরিমা কো বনায়ে রাখনে কে লিয়ে মতদাতাওঁ কো শপথ ভি দিলাই গই। আজ রাষ্ট্রীয় মতদাতা দিবস হয়। ইস মৌকে পর দেশ ভর মে মতদাতা জাগরুকতা কার্যশালা কা আয়োজন কিয়া গয়া, जिसमें लोकतंत्र की गरिमा को अक्षुण बनाए रखने हेतु मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर अधिकारियों को लोकतंत्र की मजबूती हेतु मताधिकार का प्रयोग करने एवं मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु शपथ दिलाई गई। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त भी जुड़े और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। ये कार्यक्रम प्रखंड और अंचल स्तर पर भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को भी जागरूकता किया जाए। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को, की मर्यादा को बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, तथा स्वतंत्र, तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए, को अक्षुण रखते हुए भाषा आंदोलन में किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना, किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचनों में समरा डीसी ऑफिस कार्यालय में रखा गया था, जिसमें ये हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय को करना था, नहीं आ सके तो हम लोग का डायरेक्टर सर के द्वारा कराया गया है। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आज हम लोग याद दिलाते हैं कि आज 25 तारीख है, ये बॉर्डर्स डे है। ये लोगों को याद दिलाते हैं कि आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वोटर्स डे का। इस तरह का प्रोग्राम के शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। ये सभी हम लोग के जिला में, ब्लॉक में, बूथ लेवल में, प्रखंडों में, अनुमंडल में सब जगह मनाया जा रहा है। इस बार शानदार संयोग है, 74वां गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी एक ही दिन है। इसको लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। यहाँ के बाजार तिरंगे झंडे और माँ शारदे की प्रतिमाओं से पटी पड़े हैं। वसंत पंचमी और 74वां गणतंत्र दिवस एक साथ है, इसको लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। जमशेदपुर के बाजार तिरंगे झंडे और माँ शारदे की प्रतिमाओं से पटे पड़े हैं। सुबह से ही खरीदारों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है। लोग तिरंगा झंडा और माँ सरस्वती की प्रतिमा एवं प्रसाद खरीदने बाजार पहुँच रहे हैं। हालांकि इस साल माँ सरस्वती की प्रतिमा 1000 रुपये से लेकर 10,000 तक बाजार में उपलब्ध है। अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग प्रतिमाओं की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि महंगाई का असर बाजार में पड़ रहा है, मगर लोग अपनी ज़रूरत के सामान खरीद रहे हैं। हर बजट के लोगों के अनुसार सामग्रियाँ उपलब्ध है। पूजा है मूर्ति आपका मेरे पास 250 से लेके उधर 4000 तक है, वैरायटी है इसमें। और कल अच्छा मार्केट था, आज पता नहीं, तो सुबह से काफी भीड़ है, देखते आगे क्या होता है। अभी सबसे अच्छा मूर्ति में कौन सा बिक्री हो रहा है, कौन ज्यादातर पसंद कर रहे लोग? ज्यादातर मीडियम साइज का 800-900 के अंदर ही ज्यादा, 800-900 झंडा 5 रुपए से लेकर 300-400 का झंडा तक। कपड़ा वाला कितना का, प्लास्टिक वाला कितना? प्लास्टिक वाला इस बार नहीं बिक रहा है सर। प्लास्टिक वाला कभी नहीं बिकता। अच्छा, पेपर वाला 5 रुपए का है। हाँ, कपड़ा वाला लास्ट 400 तक का है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा ने संयुक्त रूप से जमशेदपुर अंचल और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सौरभ सिन्हा ने संयुक्त रूप से जमशेदपुर अंचल और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया।
जहां निरीक्षण के पश्चात संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी सभी कार्यालयों के रखरखाव, कर्मचारी की उपस्थिति और साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान प्रत्येक कार्यालय से लेकर कार्यालय में रखे दस्तावेजों के साथ साथ शौचालयों के भी निरीक्षण किया। वहीं जानकारी देते हुए एडीएम नंदकिशोर लाल ने बताया कि समय समय पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। इसी क्रम में आज अंचल और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। हम लोग सब ऑफिस को दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक ठाक रहे ऑफिस। सभी स्टाफ सुनिश्चित करें कि लगातार लोग ऑफिस पे आए। तीसरा है कि साफ सफाई, जैसे ऑफिस का स्टाफ साफ सफाई रखे, जो शौचालय का ये सब का ऑफिस में हफाजत व्यक्ति का सामान भेजते हैं, इन सब चीज़ों को अपडेट करवा रहे हैं ताकि वो भविष्य में बहुत अच्छा ढंग से रहें। और साथ ही साथ वीआईपी लोगों का भी विजिट होता है, जो इम्प्रेशन भी बहुत ख़राब हो जाता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर, तो उसको रखरखाव रखने के लिए हम और शौचालय जो डायरेक्टर भी आगे हैं। और टाटा वर्कर्स यूनियन गेस्ट हाउस में कैंसर पीड़ितों और उनके परिजनों के बीच भोजन पैकेट का वितरण लगातार 9 माह से किया जा रहा है। जार संघ टाटा नगर के तरफ से आज कंटिन्यू 9 महीना से टाटा वर्कर यूनियन रेस्ट हाउस ब्लड बैंक के सामने आज निरंतर 9 महीना से कैंसर पेशेंट के बीच में भोजन वितरण हो रहा है। इसमें आज हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा सुनारी ब्रांच की मैनेजर बरखा मैडम आज आई थी, अपने हाथों से कैंसर पेशेंट को भोजन वितरण किया और बहुत ही उनको आनंद आया। गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी के मौके पर शहर व आसपास के कुछ गणमान्य लोगों ने हमारे माध्यम से आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी जमशेदपुर वासियों को एपिक्स हॉस्पिटल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को विकास सिंह का नमस्कार और बधाई। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे विश्व हिंदू परिषद परिवार की ओर से समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कितना शुभ संयोग है कि माँ भारती और माँ शारदे का एक ही दिन गणतंत्र दिवस और शारदीय उत्सव का आयोजन पूरा भारतवर्ष मना रहा है। मैं समस्त देशवासियों, शहरवासियों और झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की साउथ पॉइंट स्कूल SBM हाई स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं पूरवी घोष, सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और 26 तारीख को माँ शारदे सरस्वती देवी का भी हम लोग पूजन करते, वंदन करते इन शुभ अवसर पर, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, तो माँ शारदे को नमन करते हुए और पूरा झारखंड वासियों को मैं शुभकामनाएं देते हैं। और एक संदेश कि आधी आबादी महिलाओं का है, इस महिला अगर सुरक्षित रहेंगे तभी देश का विकास हो सकता है। देश के 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गुरु नानक अस्पताल मानगो की तरफ से समस्त शहरवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला की ओर से तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर संविधान की बचाने की तैयारी आज के युवा पीढ़ी पर है और हम आह्वान करते हैं तमाम युवाओं से आगे आकर के इस संविधान को रक्षा करें ताकि देश को समृद्धि और सुजगतापूर्वक आगे ले जाया जा सके। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व हिंदू परिषद परिवार की ओर से। जय श्री राम। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे पूरे झारखंड वासियों को कांग्रेस परिवार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर सिंह, मानगो प्रखंड अध्यक्ष। समस्त झारखंड वासियों को नववर्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर
बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वसी हैदर, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से पूर्वाध्यक्ष कांग्रेस परिवार से सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो की ओर से समस्त झारखंडवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों के साथ साथ चांडिल अनुमंडल के चांडिल, लिमडी, ईचागढ़, कुकड़ू चारों प्रखंड के जनताओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर होटल राहुल पैलेस चांडिल झारखंड के तरफ से आप सभी झारखंड वासियों को, देशवासियों को, विशेषकर चांडिल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ झारखंड, सुंदर झारखंड निर्माण करने में अपना योगदान दें। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासी के साथ साथ ईचागढ़, कुकड़ू, निमडी, चंडील सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं मनोहर सिंह सरदार, चांडिल मुखिया, और हमारे चांडिल वासियों को भी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव की सरकार और उपायुक्त के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को जिला मुख्यालय के बाहर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धरना व प्रदर्शन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष समिति के बैनर तले जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष जिले के उपायुक्त के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू के नेतृत्व में एक दिवसीय महाधरना दिया गया। इनके अनुसार 29 विभाग उनके अंतर्गत है, लेकिन जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के उदासीन रवैये के कारण इन तमाम विभागों के विकास कार्य ठप पड़े हैं। वैसे इस धरना में राज्यभर के तमाम जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने भी पहुंचकर अपना समर्थन पूर्वी सिंहभूम के तमाम जिला पार्षदों एवं मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों को दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने इन्हें चुनकर जनहित के कार्यों को पूर्ण करने के लिए भेजा है, लेकिन प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारी तमाम जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं और गाँव का विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन अपने मनमाए रवैये पे है और 84 जिला के जन सेवकों का तबादला किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार नहीं मिल रहा है, उन्हें न वेतन मांग मिल रहा है सम्मानजनक, न समय पे वेतन मांग मिल रहा है। कलीम खान को गोली मारने की घटना में संलिप्त सरायकेला पुलिस ने अपाचे बाइक में सवार एक आरोपी को पकड़ लिया, दूसरा फरार होने में सफल रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर माह में सरायकेला में कलीम को गोली मारने की घटना में संलिप्त आरोपियों में एक संजय सरकार को पुलिस ने धर दबोचा है, पर उसका साथी बाइक लेकर फरार होने में सफल रहा। संजय सरकार बाइक के पीछे बैठा था और पुलिस को देख भागने के क्रम में वो बाइक से गिर पड़ा। शहर को लगभग 1 बजे के आसपास सरायकेला थाना में सूचना प्राप्त हुई कि कांड संख्या 79-22 जिसमें कि कलीम खान जो जिनको गोली लगी थी चड्डरी बॉर्डर पे, उनके जो अभियुक्त हैं वो शायद इस क्षेत्र में आकर कुछ घटना को प्लान करने, अंजाम देने का प्लान कर रहे हैं। तो इसी सूचना के सत्यापन एवं की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एंटी क्राइम चेकिंग कल लगाई गई। डीजीपीसी प्रधान पद का चुनाव हो चुका है और भगवान सिंह प्रधान चुने जा चुके हैं, मगर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिख समुदाय का एक बड़े पक्ष ने उपायुक्त से मुलाकात कर चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। सीजीपीसी प्रधान का चुनाव 5 सदस्यीय संचालन समिति की देखरेख में संपन्न हुआ और भगवान सिंह भारी मतों से विजय रहे, पर सिख समुदाय का एक धड़ा इस चुनाव से अलग रहा और उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए उपायुक्त से चुनाव रद्द करने की मांग की है।
आज हम डीसी महोदय से मिलने के लिए आए हुए हैं और सिख समाज में जो पिछले 11 तारीख को जो सीजीपीसी का चुनाव हुआ इसका हमने बहिष्कार भी किया था और हमारा सिख समाज जो पूरा काला बिल्ला लगा के आया है जो काला दिवस हमारे लिए है और क्योंकि उसमें जो 5 मेंबरी कमेटी ने जो है पूरा पक्षपात करते हुए जो है वो चुनाव किया जबकि उस चुनाव का बहिष्कार हुआ था वो चुनाव नहीं हुआ था और जो है अनैतिक रूप से जो असंवैधानिक रूप से जो है इसका जो कार्य हुआ है बिल्कुल हम उसकी घोर भर्त्सना कर रहे हैं। पूरा गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य समारोह स्थल गोपाल मैदान में मंगलवार को फुल ड्रेस परेड रिहर्सल किया गया। इस परेड का उपायुक्त विजय जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार ने निरीक्षण किया। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में फुल ड्रेस परेड का रिहर्सल किया गया जिसका जिले के उपायुक्त विजय जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार ने निरीक्षण किया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला प्रशासन की ओर से 74वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसको लेकर गोपाल मैदान में परेड का रिहर्सल किया जा रहा है जिसका अंतिम रिहर्सल फुल प्रेस में किया गया जिसमें एनसीसी सहित पुलिस की 7 टुकड़ियों ने भाग लिया जिसका उपायुक्त विजय जाधव और एसएसपी प्रभात कुमार ने निरीक्षण किया जिसके उपरांत उपायुक्त ने झंडा तोलन की ओर परेड को सलामी दी और अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर उपायुक्त और एसएसपी ने परेड में शामिल जवानों को खामियों को सुधारने सहित बेहतर प्रदर्शन के लिए टिप्स भी दिए। जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और उपायुक्त विजय जाधव इस समय सलामी मंच के पास सलामी शस्त्र और इसके बाद जिला महिला सशस्त्र पुलिस डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस महिलाओं की सब इंस्पेक्टर पिंकी प्रियंका हिंदू के नेतृत्व में इसके बाद गृह रक्षा वाहिनी की प्लाटून कमांडर है कंपनी कमांडर रंजीत कुमार सिंह। इसके बाद सहायक पुलिस प्लाटून कमांडर फीमेल दाहिने से तीसरा लाइन वो यहाँ से क्लियर दिख रहा था कि आपका पैर बाद में पट गया। जब आप मन से देखेंगे तो इस पूरे टुकड़ी में कहीं एक किसी कॉर्नर में एक भी लैग गड़बड़ाएगा तो यहाँ से क्लियर कट दिखता है जैसे मुझे अभी बता दिया आपको। तो इसमें कुछ सिंपल है आपको रिहर्सल किए ही हो सभी लोग ध्यान रखना है मन में काउंट करते रहना है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानी कुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग 10% डिस्काउंट ऑन एवरी फेस्टिव सीजन। फ्री डिलीवरी अप टू 2 किलोमीटर्स। ऑन द ओकेजन ऑफ शॉप्स 2nd anniversary 10% discount from January 1st to 16th of February 2023। हमारी दुकान की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, अपोलो पेंट, कामधेनु ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमी पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट तक का रेंज है। 125 रुपया लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज का पेंट्स अवेलेबल है और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस शॉप नंबर 113 न्यू रानी कुदर कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद कॉन्टैक्ट 9431918856
7992409201. हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ, बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात, हॉप के दो बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें दो वेरिएंट है, हॉप लियो हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिस्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है?
25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं रह सके। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।